वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद सनाउल्ला खान से। जी सनाउल्ला, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, हुकूमत हर कीमत पर 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम को मंजूर कराने का इरादा रखती है और इस हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास भी जल्द बुलाया गया ताकि जो प्रपोजल आ चुकी है उसको सामने नजर रखते हुए ड्राफ्ट को अपनी शक्ल दे के काबीना के इजलास में रखा गया। जराए ने तस्दीक की है कि 17 अक्टूबर को इजलास होगा जिसमें ये फाइनल इसकी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सेशन का इजलास भी होगा और जिसके अलावा हवाले से सदर को समरी भेज दी गई है इजलास बुलाने के हवाले से। और अगर काबीना मंजूरी दे देती है और हुकूमत को यकीन हो जाता है कि उनके पास दो तिहाई अक्सरियत है तो पार्लियामेंट के दोनों अवानों में एक ही रोज ये पेश करके पास कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्ला खान।